Hai, tiri pot să brahă aici. Hai. De ca alții. Sammanie Rashtrapati ji. Didi, Sia ke, Appa hun, Dulha Sarkar ke, Tilak laga ka, Mala paga ka, Tiri pot să ke shuruaat ka raha chai. Jordar tali apne sabke hua. Sauhagya is hamra sabke Gadatantra Nepal Shamadhi Rashtrapati ji Bhagwan ki puja kar raha sabhi unka tika laga raha sabhi Thank you so much. Sri Sitaram Vivahapan Mahabahotsav 2077 ke aayi karyakram mein aayal tamam upasthit hamar sabke nimantran swikar kar ke aayal vishisht atithi pahun aur agantuk mein hum sab sabse pehle pranam karat sahab swagat karat sahab
मिथिला सन नै देश मधुप, मिथिला सन नै देश मधुप भूमंडल में आन। जनक सनक हरवाह जतय सिया उपज प्रमाण। से मिथिला थिक हमर जकर पाहुन छथि श्री राम। ताहि मिथिलाक संपूर्ण गोटे में हम गायत्री हम घनश्याम करै छी प्रणाम। आजुक कार्यक्रम के सबस पहिने अध्यक्षता ग्रहण कर रहल श्री राम तपेश्वर दास वैष्णव जी के हम सब जोरदार थपड़ी से स्वागत कह देवक लेल आग्रह करब। आजुक कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहा छथि श्री राम तपेश्वर दास वैष्णव जानकी मंदिरक महंत। हमरा सबके बीच में प्रमुख अतिथि के रूप में छथि गणतंत्र नेपालक सम्मानीय राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जी। हुनको स्वागत कह देवक लेल जोरदार ताली से अपने सबके आग्रह जे हुनका स्वागत और सम्मान में ताली देत रहे। तहिना अध्यक्ष जी और सम्मानीय राष्ट्रपति जी के अनुमति अनुसार अ कार्यक्रम में हम सब आब प्रदेश दू के माननीय प्रदेश प्रमुख तिलक परियार जी के हम सब स्वागत कर चाहबन। सम्मान्य राष्ट्रपति जी, माननीय मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत गद्दी जी के आसन ग्रहण कराब चाह। तहिना नेपाल सरकारक माननीय पर्यटन संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई जी के सेहो शान में आग्रह कर चाहब ताली बजा देबा के। तहिना नेपाल सरकारक माननीय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा अरियाल जी के आसन ग्रहण करा के लेल आग्रह करबनि। प्रदेश सभाक माननीय सभामुख सरोज कुमार यादव जी के सेहो आसन ग्रहण कह देबाक लेल आग्रह करबनि। प्रदेश सरकारक माननीय मंत्री जी सब, तहिना संघीय सांसद के माननीय सदस्य जी सब के सेहो आसन ग्रहण कह देबाक लेल आग्रह करबनि। तहिना महामहिम भारतीय राजदूत मनजीत सिंह पुरी जी के आसन ग्रहण कह देबाक लेल आग्रह करबनि। एवं प्रकारे प्रदेश सभाक माननीय सदस्य जी सब सेहो आसन ग्रहण कह देबाक लेल आग्रह करबनि। तहिना जिला समन्वय समिति के के से हो आसन ग्रहण कह चुकल छथि हुनकर सम्मान में जोरदार थपड़ी बजा देबाक लेल सब गोटे से आग्रह करब। तहिना राष्ट्रपति कार्यालय के सचिव जी सब के सेहो आसन ग्रहण कह देबाक लेल आग्रह करबनि। तहिना प्रदेश सरकारक प्रमुख सचिव रामकृष्ण द्विवेदी जी, तहिना प्रदेश प्रमुख कार्यालय के जे प्रमुख प्रदेश सरकारक सचिव जी सब छथि संपूर्ण गोटे में एक ही बेर हम सब कहब जे अपने सब यथास्थान आसन ग्रहण कह देत। तहिना मधेसी आयोगक अध्यक्ष विजय दत्त जी के आसन ग्रहण कह देबक लेल हार्दिक आग्रह करबनि। वृहत जनपुर क्षेत्र विकास परिषदक अध्यक्ष शालिग्राम सिंह जी के हम सब सम्मान कर चाहब छी आसन ग्रहण हुनकर भ चुकल छनि। अहिना गुठी संस्थानक प्रशासक जी आ साथे एतौ उपस्थित संपूर्ण गोटे आ संचार कर्मी साथी सब के सेहो यथास्थान में आसन ग्रहण कह देबक लेल हार्दिक आग्रह करै छी। आज कार्यक्रम में आयल उपस्थित साक्षी भाव से हमरा सबके सुन रहल देख रहल आजू कार्यक्रम के तमाम आगंतुक जे पाहुन भ गया छी हुनका से हो और ये निमंत्रण स्वीकार क गया छी सब गोटे में संपूर्ण गोटे में आ सब हमर सबके निमंत्रण स्वीकार क के नो यथा स्थान सब गोटे आसन ग्रहण करी से हम सब विनम्रता पूर्वक आग्रह कर साहब। हम सब कार्यक्रम के आप आग बढ़बैत अपने सबके जानकारी करा भी जे अब हम सब आजुक कार्यक्रम में स्वागत मंतव्य के लेल सबसे पहिने जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका मेयर आदरणीय लाल किशोर शाह जी से हम तस्व आयवाक लेल विनम्रता पूर्वक आग्रह करबनि। एहि समारोहक अध्यक्ष महोदय, आइ तिलक के अवसर पर भार पठाबक के महत्वपूर्ण कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि
सम्मानीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भंडारी जी, प्रदेश प्रमुख जी, सम्मानीय प्रदेश प्रमुख जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संघ सरकार के मंत्री जी लोगन, प्रदेश सरकार के मंत्री जी लोगन, माननीय सांसद जी लोगन, झांकी मंदिर के माननीय महंत श्री राम तपेश्वर दास जी, अयोध्या हिंदुस्तान अयोध्या से आयल बराती के सभी परम आदरणीय संत जिलोन, सुरक्षा निकाय के विशिष्ट पदाधिकारी जी लोगन, एठाम उपस्थित सभी महिला तथा सज्जन वृंद, सर्वप्रथम कार्यक्रम में हमरा सबके आग्रह के स्वीकार करैत आयल सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी जी, अपन शेड्यूल में रखलखिन और आई जनकपुर धाम के पुण्य भूमि में आबि शोभा बढ़ेलखिन, ताहि हेतु सम्माननीय राष्ट्रपति जी लगायत हिनका संग आयल संघ सरकार के मंत्री जी लोगन सब गोटे के जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के दिश से, सभी जनकपुर धाम के नगरवासी के दिश से हार्दिक स्वागत अभिवादन करय चाहै छी। ई अवसर आई हम सब सप्ताहव्यापी कार्यक्रम के चारिम दिन में प्रवेश कर चुकल छी। जे चंगेरा में परा परोस गेल भार सब छे, हमरा सबके परंपरागत रूप से भार कही आयल छी, ट्रेंड रही आयल छी, जे लड़का लड़की के कन्या पक्ष से बर पक्ष तर, बर पक्ष से कन्या बर तर अभी छे, ता तिलक के अवसर पर कन्या पक्ष के तरफ से बर पक्ष के ओहिठाम भार लजेबाक परंपरा रही आयल छी। वही परंपरा के अहू बेर श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव 2076 के अवसर पर यह आयोजन कयल गेल छी रंगभूमि मैदान में, और यह ऐतिहासिक छी। ई हमरा बुझने पहिल बेर छे जे देश में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र अयला के बाद जनता के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्र प्रमुख हमरा सब पहने छी, और उ राष्ट्र प्रमुख के हाथ से अहिठाम से ई भार जेतै। ई हमरा बुझने ई प्रथम छे और ई ऐतिहासिक छे। जनकपुर धाम के श्री सीताराम विवाह पंचमी के इतिहास में जिसे सदा सदा के लेल रहते, और ई भार अहिठा से जेते राम मंदिर में, तत्पश्चात ओहिठाम जैसे से तिलकोत्सव के कार्यक्रम जैसे से शुरू हेतै। कारण से ई अति व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी हमरा सबके बुझल है जे राष्ट्रपति जी की बहुत व्यस्तता होइ छन सुबह से शाम तक के, लेकिन श्री सीताराम विवाह पंचमी के अवसर पर पूर्व संध्या में आबि कऽ
जे जुड़ेलखिन हिनकर आगमन से हमरा सब अखन विजिट नेपाल 2020 में भी प्रवेश चुकल छी और पर्यटन के क्षेत्र में दुनू बात छी जेटा धार्मिक पर्यटन के रूप में केना विकास करी और अन्य पर्यटक सब के भी एहिठाम केना हम सब आकर्षण मिलाब सकी ओहि सब बात के लेल विशिष्ट व्यक्तित्व सब के जे आगमन हुई छे और खास करके राज्य जखन ओहि चीज के स्वीकार करी छे महामहिम सम्माननीय राष्ट्रपति जी के आगमन बहुत ही महत्वपूर्ण हमरा सब के फल भेटत तकर हम सब विश्वास ले छी। महामहिम राष्ट्रपति जी के ई आगमन हमरा सब ले दूसरो अर्थ में महत्वपूर्ण है। ऐसे पूर्व आयल रहथिन किस बात हम सब रखने रहियन और जनता के द्वारा निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख के जो उदारता भेल और उस समस्या के हल कैल गेल हम ओ कार्यक्रम के बाद दोसर ई अवसर हमरा प्राप्त भेल। हम जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के दिश से जनता के प्रतिनिधि के हैसियत से सभे जनकपुर धाम नगरवासी के दिश से उनका प्रति हार्दिक कृतज्ञता सेहो व्यक्त अपने हमरा सबके गौरव छी और ई जे महोत्सव है ई महोत्सव महज जनकपुर धाम के लेल मात्र नहीं विश्व भर में नेपाल के गौरव के रूप में महोत्सव के जानल जाय छै और एकरा हम सब जे छी से अइ महोत्सव के और सभ्य और भव्य तरीका से कोना मनावा सकी जनकपुर धाम के दिशा में पूर्वाधार खार कर के दिश में राज्य के तरफ से विशेष नजर पहुंचे ताइ के लिए जनकपुर धाम के नगरवासी के दिश से अपने के हम विनम्र आग कर चाहे छी। समय बहुत भल छै चूंकि एहिठाम से भार गेला के बाद ओहिठाम फिर बहुत लंबा कार्यक्रम होइ छै मंदिर में ताहि हेतु हम अंतमे पुनः महामहिम सम्माननीय राष्ट्रपति जी लगात हुनका संग आयल संघीय मंत्री लोगन माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश प्रमुख जी माननीय प्रदेश के प्रमुख मुख्यमंत्री मंत्री जी लोगन और भारत सरकार के तरफ से आयल आदरणीय राजदूत मंजीत सिंह पुरी जी और भारत से आयल संपूर्ण अयोध्या के बराती सब के विभिन्न भूमिका में लोग आयल छे कोई दशरथ जी के भूमिका में
कोई विश्वामित्र के मुकाम में, तो इस सबको टेक के और देश विदेश से आये सभी हम तीर्थयात्री सब में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के दिश से, जनकपुर धाम के सभी नागरिक के दिश से बहुत बहुत शुभकामना, और सब गोटे में जनकपुर धाम की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। मेयर लाल किशोर शाह जी, खास करके सांस्कृतिक संबंध भारत और नेपाल के, राम और सीता के जो त्रेताकालीन इतिहास से वो संक्षिप्त में जानकारी कर लेत, और सब गोटे आगंतुक के स्वागत से हमारे बीच में के लेत, खास करके जनकपुर धाम उप महानगर पालिका मेयर लाल किशोर शाह जी। और हम सब कार्यक्रम आगा बढ़वित आब जान के लीला जे मीनापक प्रस्तुति है, वेदिस चलब कलाकार सबसे तैयार छथि। अमरिशके भले छै जे रामलीला अपने सब सुनने हेबे, लेकिन मिथिला नाट्य कला परिषद जहन जानकी के चर्चा होइ छै, दीदी सीता के चर्चा होइ छै, तब मीनाप नेपाल के प्रतिनिधित्व करैत प्रयागराज मात्र नहीं दिल्ली में भारत सरकार के निमंत्रण स्वीकार कर आयल, बहुत रास कार्यक्रम सब अखन जानकी लीला के रूप में विश्वव्यापी रूप में जैसे से प्रस्तुत कर रहा है, तो अखन के क्रम में अपने सब जाए मिथिला नाट्य कला परिषद जनकपुर धाम नेपालक सुंदर सन प्रस्तुति जानकी लीला। हेलो 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 चेक हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक सीता राम मनोहर जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। सुंदर मिथिला धाम दोहर पायब कोने ठाम, दोहर पायब कोने ठाम। दुल्हा दुल्हिन सीता राम जनक मूरति, दुल्हा दुल्हिन सीता राम जनक मूरति। एहन सुंदर सिया सुकुमार, सिया जनक दुलार, सिया जनक दुलार। राम जी के लैन, राम जी के लैन ससुराल जनक
करबै ककरो आस जखन मिथिला हमर पास जखन मिथिला हमर पास जनकपुर में एहन सुंदर मिथिला धाम दोसर पायब कोने ठाम एहन सुंदर मिथिला धाम दोसर पायब कोने ठाम एहन सुंदर मिथिला धाम दोसर पायब कोने ठाम दोसर पायब कोने ठाम दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में 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 जय सियाराम। आदरणीय प्रभाव लोकन जानकी लीला जे मिथिला नाट्यकला परिषद अपने सब सोझा में देखा रहा है ओ जानकी लीला विभिन्न जगह पर देखबैत आजुक सो जे आजुक कथा जे कथा जानकी लीला हम सब जनक काल और सीता के जन्म से देखबै छलहुं हैं मुदा आई के प्रसंग किछ पृथक फुलवा प्रसंग से हम सब देखावा के कोशिश करब चूंकि विवाह महोत्सव है ते दुआरे ओ देखावा के कोशिश बस एक दूटा बात मतरे अपने लोकन के हम सब सुना दी जे आई नाटक जे ई कथा हम सब उठेलहुं आई कथा मूल प्रेरणा स्रोत हमरा सबके बाबा राम रोशन दास जी छथि जिनकर प्रेरणा से हम सब ई कथा उठाब में सफल भेलहुं जेकर लेखन स्क्रिप्टिंग श्याम सुंदर शशि भाई जी सुनील भाई जी दुनू गोरे के प्रयास से ई एकटा स्क्रिप्टिंग तैयार भेल जेकर संपूर्ण म्यूजिक संयोजन सुनील भैया कयने छथि और एकर जे कोरियोग्राफी अपने सब देखै छियै जे धीरज और सन्नी मिल कऽ कयने अछि और एकर जे निर्देशकीय पक्ष छै जे हम और धीरज मिलकर प्रयास ने छी तो ई प्रश्न हम सब दैनिक जनकपुर में देखावा चाहे छी जै के लेल एकटा नाटक घर के सेहो हम सब निर्माण क रहल छी जनकपुर धाम में जेकर सहयोग हमरा सब के गुठी संस्थान से सेहो भेल अछि और एके बाद हमरा सब के बृहत्तर जनकपुर जनकपुर धाम महानगरपालिका प्रदेश सरकार ऐ सब से भेटैत रहल है आई प्रसंग देखबैत रहब त लिया मिथिला नाट्यकला परिषद देखबैत अछि जानकी लीला दिव्य भूमि मिथिला हम आइब गेलौ दिव्य भूमि मिथिला हम आइब गेलौ देखत मात्र मने लक्ष्मण प्रीत भेलौ देखत मने लक्ष्मण प्रीत भेलौ की दिव्य फूल फल बीच अनंत धाम की दिव्य फूल फल बीच अनंत धाम
आहे पक्षी विलक्षण करे रम्य गान, आहे पक्षी विलक्षण करे रम्य गान। की दिव्य भूमि मिथिला हम आइब गेलौं, की दिव्य भूमि मिथिला हम आइब गेलौं। राजा विदेहक फुलबारी जाओ, हे राम लखन आहां फूल तोरी लाओ। राजा विदेहक फुलबारी जाओ, हे राम लखन आहां फूल तोरी लाओ। देश पूजन अछि मूल काज, देवेश पूजन अछि मूल काज। राजन ने बीच चरमा चल मौली राज, राजन ने बीच चरमा चल मौली राज। राजा विदेहक फुलबारी जाओ, हे राम लखन आहां फूल तोरी लाओ। राजा विदेहक फुलबारी जाओ। गुरु आज्ञानो सार श्री राम, चलला लक्ष्मण संग श्री राम। नंद मद गंजन बनवेश, सतमुख सत गुण विभवि नरेश। लक्ष्मी जतए लेला तारा तनिक विभव के, बरनय पारा तनिक विभव के, बरनय पारा। देखल जतन जनक बनदाही, पर मन हर्षित दूर बरमन हरसी कतूनु भाई। सीता चलनी अब सारा ताही, जुगल बंधु छल छति बन जाही। सीता जुगल बंधु छल छति बन जाही। जुगल बंधु छल
बन पहुँचल सकल कुमारी, तोरत फूल नवाबती डारी, तरु तर छाया छन बिसरामा, देखती चली चली भर आरामा, सीता कहलन हित सकाना, अहकाच सब सगुनक जाना, एहा जग नहीं सो ऐलहुआ। शुभ सूचक दीता सगुनक में कहलन मुनिनीता, हे राम जी नुका नुका का देखत मैथिल सिया के, मिथिला कानुपम धिया के ना, राम जी नुका नुका का देखत मैथिल सिया के, मिथिला कानुपम धिया के ना। की बड़ी सुहावन फूलक बीच जे चमके है, बड़ी सुहावन फूलक बीच चमके है, कमल सनि कीर्ति साक्षात लक्ष्मी सहज रूप तमके, राम जी धन्य भलथ ओ राम जी धन्य भलथ, दर्शन अपन पिया के मिथिला के अनुपम धिया के ना, राम जी धन्य भलथ का दर्शन अपन पिया के मिथिला के अनुपम धिया के ना, राम जी नुका नुका का देखत मैथिल सिया के मिथिला के अनुपम धिया के ना, राम जी नुका नुका का देखत मैथिल सिया के मिथिला के अनुपम धिया के। चंद्र बदन अद्भुत किशोर, रामक सम एक कौ भेली, रामक सम एक कौ भेली, चंद्र बदन अद्भुत किशोर, चंद्र बदन अद्भुत किशोर, हसने पलक कोनो दिस सा, हसने पलक कोनो दिस सा, मगन एला जुग जोड़ी भेली, मगन एला जुग जोड़ी भेली, रामक सम एक ताक वो भेली, चंद्र बदन अद्भुत किशोर, चंद्र बदन अद्भुत किशोर,
रखी सब सियाज के अरेधिक जोरी बढ़ा गेल छल प्रेमक डोरी धार टूटल ध्यान टूटल आलदा फिर मन के तार में ओझ लेली फिर मन के तार में ओझ लेली चंद्र बदन अद्भुत किशोरी चंद्र बदन अद्भुत किशोरी चंद्र बदन हटप्रण लेल धनुष यज्ञक आयोजन भेल जे दिन ई धनुष के तोड़ता वह सियाजुक वरण करता Thank you.
ई धरती वीरहीन भागे जनक जी के प्रण बेकार चले गए जनक जी के प्रण बेकार चले गए कहै छी मानो
કરાહું એના જોઈન છાતી તાનું સાસુર મે લીબ કરાહું એના જોઈન છાતી તાનું એના જોઈન છાતી તાનું હમરા તપાહુન આહા હમરા તપાહુન સ્વયં ભગવાન યો હમરા તપાહુન આહા સ્વયં ભગવાન યો હરસે દિભોર જનકપુર હરસે દિભોર જનકપુર ભરા આસમાન યો હરસે દિભોર જનકપુર તારા આસમાન યો હરસે દિભોર જનકપુર તારા આસમાન યો હરસે દિભોર જનકપુર તારા આસમાન યો હરસે દિભોર જનકપુર ઘોરા હે સોહાવન લાગે હે
सोहाग लागे अनोलाख एने बरिया के सोहाग लागे अनोलाख एने बरिया के सोहाग लागे मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारू तुल हमें घर का कमाल सखिया चारू तुल हमें घर का कमाल कुनल सोने मन मार कजरारे चुल मीन कार कजरारे चुल मीन लाल लाल चानन चमके धाल सखिया आहे लाल लाल चानन चमके भाल सखिया चारू तुल हमें बढ़ता कमाल सखिया चारू तुल हमें राम जी कमाल सखिया सुनो सुनो यो सौमद सरसदारी सुनो सुनो यो सौमद सरसदारी सखी बहसल अबधपुर के सब नारी सखी बहसल अबधपुर के सब नारी सुनो सुनो यो सौमद सरसदारी सुनो सुनो यो सौमद सरसदारी सुनो सुनो यो पुरखिन आहाक छथि अकथ छिनारी पुरखिन आहाक छथि अकथ छिनारी अकथ छिनारी अकथ छिनारी अकथ छिनारी अकथ छिनारी ओत अति उत फाल पर जोरदारी ओत अति उत फाल पर जोरदारी सुनो सुनो यो सब सरसदारी सुनो सुनो यो सब सरसदारी सुनो सुनो यो सब Thank you.
जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर बाबा करुण दिया दान बाबा करुण दिया दान
प्रिय पाहुन अहि ठम बिबाहु कोबर बास प्रिय पाहुन अहि ठम बिबाहु कोबर बास पर बियाह लौं पाहुन गम पर बियाह लौं पाहुन गम पर बियाह लौं पाहुन आमाक गछिया प्रिय पाहुन यो अही ठम बिबाहु कोबर बास प्रिय पाहुन यो अही ठम सखी कोहबर में बर अज रज देख लो सखी कोहबर में बर अज रज देख लो हे सखी की देख लो आई हरिया ई जरिया मिलन देख लो आई हरिया ई जरिया मिलन देख लो सब मिथिला वासी बहिन सिया और प्रभु श्री राम के मिथिला से नहीं जा देने छी मिथिले में राख लेने छी से विश्वास के साथ विवाह सब कोहबर तक मात्र देखाबै छी किया तो जहन हमर सिया बहिन
अवध जाय छथि, हुनकर किछु वियोगान्त समय सब छै जे हमसब मिथिलावासी नहि देखऽ चाहै छी नहि सुनऽ चाहै छी। एहि दुआरे अपने सब गोटे सब मिथिला नाट्यकला परिषद कराके एहिठाम अंत करैत अछि। धन्यवाद। धन्यवाद। मिथिला नाट्यकला परिषद द्वारा सुंदर संचान की लीला अपने सब सुनल देखल और समग्र में जे राम सीता के विवाह छै तै प्रसंग के जे छै समय के तैयार कयल गेल छल और अहि के संग हम सब कार्यक्रम के आगा बढ़ायब। एकटा जानकारी अपने सब करायब, आजुक जे प्रमुख अतिथि हमरा सबके बीच में छथि, विजिबिलिटी के प्रॉब्लम भेला कारण सँ हुनका जाय के सेहो छनि, आइए काठमांडू ओ घूमि कऽ जेता तऽ हमसब आब जे मंतव्य के क्रम आगा बढ़ायब तऽ सम्पूर्ण व्यक्तित्व सबसे आग्रह करब जे 2 मिनट भीतर में जो होय तऽ और उत्तम, 2 मिनट भीतर में अपन बात रखता जे के लेल सब पहिने हमसब नेपालक लेल भारतीय राजदूत मंजीव सिंह पुरी जी से आग्रह करबनि एकदम छोट मीठ अपन मंतव्य रखैत। सामान्य राष्ट्रपति जी, सामान्य प्रांत प्रमुख, मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण के मेंबर, मेयर साहब, मन जी और भारत से आए गए संत महात्मा और बाकी लीडर, पहले तो आप सबसे मैं आग्रह करूंगा मेरे साथ जोर से बोलिए जय श्री राम, किशोरी जी की जय हो, दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। सम्माननीय राष्ट्रपति जी, आपका आज यहां होना इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि हम भारत और नेपाल के लोगों के जो रिश्ते हैं ये भगवान से बने हुए हैं, ये प्रकृति से जुड़े हुए हैं, ये लोगों के बीच में सदियों युगों से जुड़े हुए हैं। आपके साथ मंत्रीगण के और अन्य सदस्य यहां पर हैं, सब लोग यहां पर जो हैं, ये दुल्हा दुल्हन सरकार की ये जो आज ये महापावन दिन जो है इसको हम लोग बनाने के लिए यहां खड़े हुए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं शायद एक व्यक्ति यहां पर ऐसा हूं जो दोनों साइड से हूं। आप मुझे प्यार मोहब्बत दिया, मैं आपकी साइड से अपने आप को मानता हूं, हूं मैं भारतवर्ष का, और इस तरह मुझे एक बहुत जबरदस्त मौका मिला है यहां की रंगभूमि की पावन धरती पर आज खड़े होने का। सम्माननीय राष्ट्रपति जी, ये पावन धरती हमारे लिए इसलिए भी पावन है कि आधुनिक वर्ग में आजकल के समय हमने बहुत कोशिश की कि मिथिला और अवध का जो रिश्ता है, भारत और नेपाल जो रिश्ता, उसको लोगों के स्तर पे हम अभी बहुत आगे लेके जाएं। पिछले साल हमें सौभाग्य मिला कि दोनों प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री ओली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनकपुर आए, दोनों जानकी धाम मंदिर गए और आगे जनकपुर से अयोध्या की बस सेवा शुरू की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारे मिथिला निवासी, जनकपुर निवासियों को यहां पर इसी रंगभूमि में एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ जो मेयर साहब और सिटी ने ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। उसके बाद पिछले साल इसी दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए और आपने उनका भी बहुत भव्य स्वागत किया, इसका भी मैं आपका बहुत बहुत मिथिला निवासी, जनकपुर निवासी मान जी, मेयर साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे अपने आप बहुत खुशकिस्मती मिली है, बहुत बार यहां आने का मौका मिला है। अब मैं अपने 2-3 साल के टेन्योर के बाद वापस भारत जा रहा हूं, लेकिन जनकपुर में इतना मुझे प्यार मोहब्बत मिला है, बाकी नेपाल में भी बहुत मिला है, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि इस पावन मौके पर सभी मिथिला निवासी, जनकपुर निवासी, नेपाल निवासी, हम लोग जितने भी यहां बैठे हुए हैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एक बार फिर मेरे साथ जोर से बोलिएगा जय सियाराम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मंजीव सिंह पुरी जी के जे देल गेल समय भीतर में अपन बात हो रखल। साथे अब पुरी और मिथिला धाम के संबंध में परिचर्चा के लिए था, अब हम सब अपन छोट मंतव्य रखते के लिए अयोध्या से बरियाती के रूप में आल दशरथ कन्हैया दास से आग्रह करबन जे आबे तो एकदम छोट मीट मंतव्य रखत। हम यहाँ पे बुलाना चाहेंगे दशरथ कन्हैया दास जी अयोध्या से आए हुए। ई
अयोध्या के लोग आब रहा है, एक बेर कम से कम हुनका नाम पर ताली बजाए जोरदार। दशरथ कन्हैया दास जी अयोध्या से आयल छे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम विवाह महोत्सव की, जोर से बोलिए, श्री जनक जनकपुर धाम की, जगदम्बा महारानी श्री सीता जी की, दुल्हा सरकार श्री रामलाल जी की, और अवध नरेश चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज की। पूज्या चरण संत समय जो अयोध्या से जनकपुर में बारात लेकर के आए हैं, श्री रामेश्वर दास जी महाराज, श्री वैष्णव दास जी महाराज, श्री राम अवतार दास जी, और मुझे उनके नाम लेने में गर्व हो रहा है कि नेपाल सरकार के राष्ट्रपति विवाह देखने के लिए इतने देर तक बैठे हैं। यह राष्ट्र का गौरव है महाराज। हम भारत से आए हैं और मुझे कहा गया है हमारे राजेंद्र सिंह पंकज इस बारात के संयोजक हैं, और मुझे दशरथ जी जब मेरे हृदय से स्पर्श किया तो मुझे लगा कि जब जनक जी यहां के इतने सुकुमार हैं तो लोग कितने यहां के सुकुमार हो। और तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, यहां के सारे शासन प्रशासन और नौजवान श्रद्धावी देवियों पूज्य चरण संत समुदाय के बीच रखना चाहता हूं कि जब तक संसार में सृष्टि आज के 9 लाख वर्ष पहले भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ। बताओ वर्ल्ड में यूनानिस रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, कुछ बात है। 9 लाख वर्ष पहले के इतिहास यह दोहराया जाता है महाराज, और सारा विश्व भारत और नेपाल के तरफ देख रहा है कि भगवान राम के आदर्श का नकल करो महाराज। अगर मानवीय सभ्यता की किसी ने प्रथमता सिखा दिया तो भगवान राम ने, और भगवान राम के चरित्र को मजबूत किया तो जगदम्बा सीता ने किया। जगदम्बा अतः यह आवश्यक है, यह दब करके नेपाल और भारत दो देश है, दोनों की अपनी संप्रभुता है, परंतु नेपाल और भारत की संस्कृति एक है, एक है, एक है। और जब तक दोनों संस्कृति एक रहेगी, भारत नेपाल की मित्रता बनी रहेगी। यह बारात पिछले 25 वर्ष से विश्व हिंदू परिषद धर्म संघ यात्रा के माध्यम से निकाली जाती है, और उसमें जब महाराज ने सुना कि मेरे पुत्र राम ने धनुष को तोड़ा तो प्रसन्न होकर के 27 दिन पहले बारात आ गई थी। इस वर्ष जब हमारे संगठन ने सुना, भारत के लोगों ने सुना कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला राम जन्मभूमि के पक्ष में आ गया है, तो 5 दिन पहले बारात आ गई। और उनके जुबराज मान श्री रोहनदास जी को मैं साधुवाद देता हूं और कहता हूं कि हमारे राम जी अयोध्या से गोरे आए थे, लेकिन जनकपुर वाले आंख में काजल लगा लगा के हृदय में घुसा करके काला कर दिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद दशरथ कन्हैया दास जी महाराज, जो अयोध्या से आयल छथि और नेपाल भारत के संबंध के विषय में बातचीत के लिए था। प्रदेश दू के जिम्मेवार व्यक्तित्व सहित भौतिक पूर्वाधार मंत्री जितेंद्र सोनल जी के जे अपन सार्वधिक मंतव्य 2 मिनट भीतर में रखे आपके क्रम में आए रहा सतप के बीच में भौतिक पूर्वाधार मंत्री जितेंद्र सोनल जी।
धन्यवाद कार्यक्रम के उद्घोषक महोदय। श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव आज धनुष तोड़ने का कार्यक्रम का समारोह के अध्यक्ष जानकी मंदिर के बड़े महंत परम आदरणीय श्री राम केसर दास जी, कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्या देवी भंडारी जी, मंच पर आसीन प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश प्रमुख माननीय तिलक परियार जी, मुख्यमंत्री माननीय लालबाबू राउत जी, संघीय सरकार के माननीय मंत्री द्वय माननीय योगेश भट्टराय जी, पद्म अर्याल जी, मंचासीन प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, संघीय सरकार के संघीय संसद के सांसद प्रतिनिधि सभा के सदस्य माननीय प्रदेश सभा के सभी माननीय साथीगण, भारत के नेपाल में स्थित राजदूतावास के राजदूत महामहिम मंजीत सिंह पुरी जी, जनकपुर उप महानगर पालिका के मेयर साहब रोशन बाबा, भारतवर्ष से इस श्री सीताराम विवाह पंचमी के महाउत्सव में सहभागी होने आए नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल आर्मी के सभी अधिकृतगण, प्रेस के साथ ही सभी श्रद्धालु भक्तालु सभी लोग में मैं प्रदेश सरकार के तरफ से आज के इस पावन दिन में हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूँ और अयोध्या से जो लोग बारात आए हैं उनको मिथिला में प्रदेश नंबर 2 में हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करना चाहता हूँ। खाली एक स्मरण करना चाहता हूँ कि मैं उस प्रदेश से हूँ कि जब आप अवध से आते हैं तो सीधे मिथिला नहीं पहुंच पाते, और जब मिथिला से आप अवध की ओर आते हैं तो भी आप सीधे अवध नहीं पहुंच पाते। यह मिथिला और अवध के बीच में एक छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी मान्यताएं का एक प्रदेश है, एक प्रकार से मिथिला और अवध के बीच का सेतु है, प्रेम सेतु है, वह है भोजपुरी क्षेत्र। मैं भोजपुरी क्षेत्र के ओर से भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। भोजपुरी इस प्रदेश के 2 नंबर 3 जिला में बारा परसा रौतहट और आपके अवध और मिथिला के बीच में, मैंने फिर से कहा कि एक महान संस्कृति लिए हुए आप दोनों को जोड़ने का एक सेतु का काम करता है, वह के बिना यह दोनों की मित्रता, दोनों का संबंध मुझे लगता है कि अधूरी रहेगी। इसीलिए वह प्रदेश, वह क्षेत्र, वह भाषा, वह संस्कृति अत्यंत महत्वपूर्ण है और उस क्षेत्र के ओर से आपको पुनश्च हार्दिक अभिनंदन है। हम जो आज बात कर रहे हैं, जैसा कि महंत जी ने बताया, दिशा देता है, वह नया दिशा देने वाला नित्य नूतन जो हमारा संस्कृति है उसका जो एक प्रतीकात्मक स्वरूप जो हमने अभी देखा, पूरे हृदय को छू गया, पूरे मन को एक नया दिशा के ओर हमें उन्मुख कराया कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनको आज हम
भगवान प्रभु राम के रूप में जानते हैं कि आज जब दुनिया में चारित्रिक रूप में त्याग के रूप में एक भाईचारा के रूप में जब संस्कार स्वखलित हो रहा है तो हमारा हमारे सामने जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र को रखते हैं तो हमें एक नया ऊर्जा देता है। आदर्श नारी की जब हम एक परिकल्पना करते हैं, पतिव्रता नारी की जब हम परिकल्पना करते हैं, आज्ञाकारी एक बहू की जब हम परिकल्पना करते हैं, जब एक ज्वाइंट परिवार का संयुक्त परिवार के एक नेतृत्व करने वाली नारी की जब हम परिकल्पना करते हैं, समाज में एक आदर्श नारी की हम परिकल्पना करते हैं, तो हमारे सामने अच्छा कैसे हो, नारी में संस्कार कैसे एक बनाई जाए। आज इसकी बहुत नेपाल लगाए, हमारे प्रदेश लगाए, दुनिया की एक बहुत ही चिंतन का विषय है। मैं कहता हूं कि दुनिया वालों, आप देखो दुनिया में जितना लिखना पढ़ना है, लेकिन केवल राम और सीता का चरित्र को तुम एक साथ रखो। वही हमें एक दिशा देंगी, वही शास्त्र का एक एक पन्ना, एक एक हरफ, एक एक दोहा, एक एक चौपाई हमें जीवन के लिए पर्याप्त है। हमें उसे देखे तो सही, हमें उसे आचरण तो करें सही, उसको माने तो सही कि कैसे सीता अपने पति के चरणों में एक त्याग के भाव के रूप में जाती हैं, कैसे राम दो दो बार जो उनका वनवास हुआ, एक बार वनवास तो नहीं कहिए, एक बार जब वो घर से निकले गुरु विश्वामित्र के साथ, तो कैसे राम परिष्कृत होकर के आए, और दूसरी बार जब उनको 14 वर्ष के वनवास हुआ तो उस समय फिर कैसे राम एकदम से खड़ा हुआ, राम एकदम से एक वीरता का प्रतीक रूप में, विजयी के रूप में, मित्रता का एक प्रतीक के रूप में सारा को संजोग करके अपने जीवन को जिस प्रकार से 14 वर्ष राम आए अयोध्या, वह अगर राम वह मथुर अनुसरण करे तो मुझे लगता है कि आज हम जिस त्याग की बात करते हो, वीरता की बात करते हो, मित्रता निभाने की बात करते हो, भातृत्व की बात करते हो, आज्ञा की बात करते हो, सामाजिक समरसता की बात करते हो, धार्मिक एकता की बात करते हो, छुआछूत की बात करते हो, ये सारी चीजों का सम्मिश्रण और उसका उत्कृष्ट उदाहरण राम सीता का चरित्र हमारे साथ बन करके आता है। और आज हम उसी सीता का या सीताराम का एक मात्र विवाह लीला का एक प्रतीक के रूप में हम देखे, हम बहुत ही ऊर्जावान हुए हैं। इससे पूरी हमारी संस्कृति, पूर्वीय दर्शन की संस्कृति आज पूरे हर्षित है, आनंदित है, भाव विभोर है कि हम अपने भगवान को, पुरुषोत्तम राम को और माता जगत जननी माँ जानकी सीता जी का आज विवाह के एक झलक देखे, और इस प्रकार से हम संस्कार को अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने प्रदेश में और अपने राष्ट्र में अगर अंगीकार किए तो हम भी एक उन्नत मैं विशेष धन्यवाद देते हुए पुनः सभी संत महंत को चरणों में स्पर्श करते हुए, सभी राजनीतिक और विभिन्न क्षेत्र के जो लोग आए हैं, मैं उनको विशेष धन्यवाद देते हुए पुनश्च सम्माननीय राष्ट्रपति के प्रति विशेष धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आपने जनकपुर में इस महाउत्सव में आकर के यहाँ के लोगों को हौसला बुलंद किया। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए विदा होता हूँ। फिर से मैं भी बोल रहा हूँ, बोलिए जय सियाराम। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जितेंद्र सोनल जी। अब हम सब कार्यक्रम के बुझो से अंतिम अंतिम क्षण में आप प्रवेश कर जा रहा सी, किस को मात्र छथि और हुनका सब गोटे जे अपन मंतव्य दे आग्रह करबें एकदम संक्षिप्त में, चूंकि समय हमरा सब के बहुत महत्वपूर्ण है। आप हम सब अपने सब के बीच में प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री
लाल बाबू राउत जी गद्दी जी के सब बजावत साहब डैस पर और चाहब जे उनको मंतव्य हुए लेकिन संक्षिप में। श्री सीताराम विवाह पंचमी महासो के कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे आदरणीय महंत राम तपेश्वर दास जी, आज के महामहोत्सव कार्यक्रम उपस्थित सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रदेश प्रमुख, संघीय तथा प्रदेश का मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, मित्र राष्ट्र भारत के महामहिम राजदूत श्री मंजीत पुरी जी, कार्यक्रम में उपस्थित अत्यंत पूजनीय संत महंतगण, मित्र राष्ट्र भारत से आए विशिष्ट महानुभाव गण, राष्ट्रसेवक सुरक्षाकर्मी और आप सब में मेरा हार्दिक नमस्कार। आज अत्यंत ही खुशी का दिन है कि आज श्री सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव में हमारे बीच हमारे राष्ट्र के महामहिम राष्ट्रपति जी उपस्थित है और इससे इनकी उपस्थिति से ये कार्यक्रम के ये दर्शाता है। निश्चित रूप से आ जाए तो ये दो विवाह पंचमी है वो हर बस हमें याद दिलाता है कि हमारी जो त्रेता युगिन नेपाल और भारत के बीच के जो संबंध है वो संबंध अटूट है, वो संबंध हमारे बेटी रोटी का है, ये संबंध सदियों से है और ये संबंध के आज की आवश्यकता है। आज हम एक ऐसी समय पर हम सब इकट्ठा होकर आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं। निश्चित रूप से कहा जाए ये कार्यक्रम हमारे दोनों देश के बीच संबंध मजबूत करता है। आज बराती लेकर आए हमारे मित्र राष्ट्र के पूजनीय संत महान जी लोग, आदरणीय व्यक्तित्वगण और यहाँ के जो हमारे यहाँ के जानकी मंदिर से संबंधित और स्थानीय लोग हैं, ये दोनों का जो एक एक मिलन, एक दोनों का एक जो संबंध स्थापित हुआ है, निश्चित रूप से आने वाला दिन में ये निरंतर कायम रहे। और मुझे लगता है कि हम लोग आज तक इतना बड़ा एक हमारे पास एक महत्वपूर्ण संस्कृति रहा है, महत्वपूर्ण एक संबंध रहा है, अगर हम इस जो संस्कार है वैवाहिक संस्कार इसको हम अगर राजकीय दृष्टिकोण से हम अन्य जो हम विवाह के संस्कार पूरा करते हैं तो ये और कार्यक्रम को अगर हम आने वाला दिन में इसको व्यवस्थित करके निश्चित रूप से कहा जाए तो आज के दिन में भी लोग जो विश्वास करते हैं, धर्म में विश्वास करते हैं, अपना संस्कृति में विश्वास करते हैं, उनको आज भी मानना है, उनका जीवन का जो एक पूरा जीवन का एक पूर्णता है कि आधा जो संस्कार है वो नेपाल में जो कोई हिंदू पशुपति में आते हैं, यहाँ जानकी मंदिर में आते हैं तो उनका जो एक आकांक्षा है वो पूरा होता है,
यहां से लोग जो जाते हैं वहां रामेश्वरम जाते हैं, वो अयोध्या जाते हैं, वो तीर्थ स्थल में जाते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जो एक पहचान, उनकी एक जो उनकी एक शांति की बात होती है, उनकी एक उनकी उनके बीच के जो एक 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 जो चाहना होता है वो पूरा होता है। निश्चित रूप से आज के जो हमारे बीच का जो ये कार्यक्रम है, आने वाला दिन में ये विवाह संस्कार के रूप में मुझे लगता है प्रदेश सरकार इसको गंभीरता से लेकर यहाँ आज बहुत ही आप मुझे लगता है जल्दी ही हम लोग 107 जोड़ी के विवाह के कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आने वाले दिन में ये असल को एक विवाह संस्कार के रूप में अगर हम इसको विकास करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाला दिन में ये जगह का महत्व गरिमा और बढ़ेगी। इतना ही कहते हुए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री राव जी। हम सब आब क्रमशः अंतिम अंतिम क्षण में जा रहा छी। हम सब समय के बिल्कुल विलम्ब नहीं क सीधे हम सब आब संघीय सरकारक प्रधानमंत्री योगेश भट्टराय जी के हम सब मंच पर आमंत्रण कर चाहबन और छोट मिठ अपन बात राख देवक लेल हुनको से विनम्रतापूर्वक आग्रह करबन। सीताराम महाविवाह पंचमी उत्सव समारोह का अध्यक्ष साथ ही इस जानक मंदिर का महामहंत श्री राम तपेश्वर दास जी, आज का प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यू, प्रदेश प्रज्यू, प्रदेश का मुख्यमंत्री ज्यू, मंत्री ज्यू, प्रदेश का मंत्रीगण, अन्य सदस्य ज्यू, यो विवाह उत्सव में मित्र राष्ट्र भारत को अयोध्या आउन भएका संपूर्ण संत महंत समुदाय र उपस्थित संपूर्ण कलाकार, नेपाल सरकार का विभिन्न तह का कर्मचारी मित्र, सुरक्षाकर्मी, यहाँ उपस्थित संपूर्ण दाजुभाई तथा दीदी बहनी, यहाँ सबैलाई म नेपाल सरकार प्रधानमंत्री ज्यू लगाए सिंगो नेपाल सरकार को तर्फबाट यहाँ सबैलाई यो मिथिला नेपाली र पूर्वीय सभ्यताको एउटा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल इस मिथिलामा जनकपुर नगरीमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँ सबैलाई प्रणाम गर्न चाहन्छु। आज एउटा ऐतिहासिक दिन हो। साथै दुईटा मित्र राष्ट्रहरुको बीचको सम्बन्धलाई यो विवाह पञ्चमीले एउटा सेतुको रूपमा काम गरेको छ। त्यसको स्मरण आज हामीले यहाँ भव्यताका साथ गरेका छौँ। जति बेला राम सीताको विवाह उत्सव हामीले मनायौँ इतिहासमा, आजसम्म त्यसले निरन्तरता पाउँदै आएको छ र नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई एउटा सांस्कृतिक सम्बन्धको तहमा यसले विकास गरेको छ। त्यसमध्ये होइन, हाम्रा बीचका पछिल्ला सम्बन्धहरू पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। मैथिली साहित्यका महाकवि विद्यापतिलाई पनि यति बेला हामीले सम्झिनु पर्दछ, जसलाई नेपाल सरकार राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा स्वीकार गरेको छ र उहाँले मैथिली साहित्यको प्रचार प्रसार नेपालमा पनि गर्नुभयो र भारतमा पनि गर्नुभयो र नेपाल भारत बीचको सम्बन्धलाई एउटा ऐतिहासिक मोड दिने काममा महाकवि विद्यापतिको भूमिकालाई म यति बेला सम्झिन चाहन्छु। यो जनकपुर नगरी ऐतिहासिक छ, जहाँ हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले भारतका सम्माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीलाई केही वर्ष अगाडि यही जनकपुरमा जानकी माताको अगाडि स्वागत गर्नुभएको थियो। गत साल
जनकपुर नगरीमा भारतका उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय योगी आदित्यनाथजीलाई जनकपुरवासीहरूले भव्य स्वागत गरेका थिए। यसले हाम्रो इतिहासको कडीलाई देखाउँछ, हाम्रो दुई देशको सम्बन्धलाई निरन्तरता जोड्ने छ। हामी चाहन्छौँ हाम्रो सम्बन्ध जसरी सीतारत रामको जस्तो सम्बन्ध थियो, कहिल्यै नटुट्ने सम्बन्ध थियो र एक आपसमा समर्पित सम्बन्ध थियो। हामी दुई देशको सम्बन्ध पनि त्यस्तिकै निष्कलङ्क हुनुपर्दछ, त्यस्तिकै हार्दिक हुनुपर्दछ भन्ने विश्वास नेपाल सरकारले गर्दछ। हामी जसरी हामीले इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण काम गर्यौँ, सीता जसलाई हामी आदर्श नारीको रूपमा विश्वास गर्दछौँ र हामीले मित्र राष्ट्र भारत अयोध्याका राजकुमारसँग खास गरिकन हाम्रो पूर्वीय सभ्यतामा यो परम्परा छ, कन्यादान सबैभन्दा ठुलो दान हो। त्यस कारणले नेपालले भारतसँगको आफ्नो मित्रतामा सहृदय सदैव त्यो काम गर्दै आएको छ। त्यो तर्फबाट पनि नेपालसँगको सम्बन्ध त्यत्तिकै गहिराईका साथ बुझ्ने काम हुनेछ भन्नेमा हामीलाई कुनै शंका छैन। हामी बीचका केही समझदारीहरू असमझदारीहरूलाई हटाउनु पर्दछ, हामी बीचका केही समस्याहरूलाई कूटनैतिक र एउटा हार्दिकतापूर्ण सम्बन्धको आधारमा ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नुपर्दछ। नेपाल सरकार जहिले पनि संवाद र कूटनैतिक मान्यतालाई अगाडि सार्दछ, कूटनैतिक मान्यतामा जोड दिन्छ। आज यो विवाह महोत्सवको अवसरमा पनि म सम्पूर्ण भारतीय मित्रहरूलाई त्यसको निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु र यहाँहरूले जसरी एउटा ढकी झकाउ र सुसज्जित साज सज्जाका साथ जुन ढङ्गले यहाँहरूले जन्ती लिएर आउनु भएको छ, यहाँहरूलाई म नेपाल सरकारको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो जनकपुरको बृहत्तर विकासको लागि नेपाल सरकारले यहाँको प्रदेश सरकार यहाँको स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गर्ने कुरा म प्रतिबद्धताका साथ भन्न चाहन्छु। केही दिन अगाडि मात्रै हामीले यही जनकपुरमा यही मिथिलामा भव्य साथ छठ पर्व आयौँ, केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारको संयुक्त आयोजनामा। यसले प्रदेश र केन्द्र सरकार बीचको हार्दिकतालाई स्थापित गर्ने काम गरेको छ। साथै आगामी दिनमा पनि जसरी हामी भ्रमण वर्ष 2020 मनाउँदैछौँ, यो भ्रमण वर्ष 2020 हाम्रो बीचमा एउटा अत्यन्त ठुलो उत्सव हो, नेपालको लागि उत्सव हो। म सम्पूर्ण भारतीय मित्रहरू जो आज जतिको रूपमा आउनु भएको छ, सन्त महन्तज्यूहरू जसरी जन्ती लिएर आउनु भएको छ, यहाँहरूलाई आउने 2020 भ्रमण वर्षमा पनि नेपालमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूले अरू ज्यादा भारतीय मित्रहरूलाई नेपाल घुम्न निम्ति प्रेरित गर्नुहुनेछ। हामी छिटै नै जनकपुरबाट अन्य हाम्रो नेपालका अन्य विभिन्न ठाउँको हवाई यात्रा पनि सुरु गर्दैछौँ। जनकपुरबाट पोखराबाट मुक्तिनाथ, मुक्तिनाथबाट दामोदर कुण्ड, जो हाम्रो हिन्दू धर्ममा विश्वास गर्ने महानुभावहरूको निम्ति सबभन्दा पवित्र स्थलहरू, ती स्थलहरूमा हवाई यातायातबाट जोड्ने सोच हामीले बनाएका छौँ, जसले गर्दा भारतीय मित्रहरूलाई यतातिरको आवागमनमा अत्यन्तै सहज हुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। त्यसकारण भ्रमण वर्ष 2020 सन्दर्भमा पनि यहाँहरूलाई हामी भव्य स्वागत गर्न चाहन्छौँ। साथै यो मिथिला प्रदेश नम्बर 2 यो क्षेत्रमा भएका, यो तराई मधेसमा भएका सम्पूर्ण प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा, चुरेको महत्त्वलाई जोगाउने सम्बन्धमा, यहाँ भएका ताल तलैयाहरूको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा हामी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छौँ। त्यो कुरा पनि म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यही दुई देशको मित्रतालाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा पनि हामी सदैव सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्नेछौँ, म यो विश्वास यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण जनती मित्रहरू, भारत लिएर आउनुभएका सम्पूर्ण पाहुनाहरूलाई फेरि एकपटक यो जनकपुरमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। जनकपुर मन्दिर, जानकी मन्दिरको विकासको निम्ति, यसको विस्तारको निम्ति हामी यहाँका महन्त तपेश्वर दासजी लगायत अन्य महन्तहरू, रोशदास लगायत सम्पूर्ण महन्तजीहरूसँग मिलेर त्यस विषयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने
सोच यहाँहरुको बीचमा म राख्न चाहन्छु र अन्त्यमा आई विश यु ऑल आवर गेस्ट यु ऑल द मेमोरेबल एन्ड द कम्फर्टेबल स्टे इन द हिस्टोरिकल सिटी अफ जनकपुर एन्ड आई विश यु सेफ एन्ड प्लेजेन्ट जर्नी ब्याक टु अयोध्या विथ सीता जय श्रीराम जय मिथिला जय जनकपुर जय नेपाल बहुत बहुत धन्यवाद संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री माननीय योगेश भट्टराईजी के जे सीता राम भारत नेपाल सांस्कृतिक विविधता सम्पूर्ण बात सब कहिके गेलथि और नेपाल भीतर बेटा खुशखबरी दक गेलथि जे बहुत जल्दी जनकपुर से नेपाल के अन्य स्थान में सेहो रेलवे हवाई सेवा शुरू होत महत्वपूर्ण विषय वस्तु के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल और आप अंत में अपन मंतव्य राख देव के लिए हम सब भूमि व्यवस्था सहकारिता तथा गरीबी निवारण मंत्री संघीय सरकारक पद्मा अर्याल जी के माननीय पद्मा अर्याल जी के आमंत्रण करना चाहे छी अपन छोट मीठ मंतव्य रखत धन्यवाद कार्यक्रम संचालक जीवलाई प्राचीन मिथिला र अयोध्याको गरिमामय परम्परा अनुसार प्रत्येक वर्षमा र विशेष गरेर पाँच वर्षमा मनाइने यो विवाह पञ्चमी समारोहका अध्यक्षज्यू जानकी गुठीका महन्त राम तपेश्वर दासज्यू यो समारोह प्रमुख अतिथि हामी सबैका अभिभावक सिंह मुलुकको अभिभावक सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यू दुई नम्बर प्रदेशका प्रमुख ज्यू मुख्य सचिव मुख्यमन्त्री ज्यू र संघीय सरकारका माननीय मन्त्री ज्यू प्रदेश सभाका सबै माननीय मन्त्री ज्यूहरू त्यसका साथमा भारतबाट आउनु भएका सबै सबै अतिथिगण र मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नुभएका सबै सबै अतिथिज्यूहरू यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समारोहमा बडो उत्साहका साथ उपस्थित हुनुभएका जनकपुरवासी आदरणीय बुवामा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैमा सर्वप्रथममा हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु सीतालाई आफ्नो छोरी र बहिनी सम्झेर मिथिलावासीहरूले अत्यन्त हर्षोल्लासका साथ यो जनकपुर धाम जनकपुर नगरीमा यो भव्य विवाह पञ्चमी समारोहको आयोजना गर्दै आमन्त्रण गरेर यारको बीचमा शुभकामना व्यक्त गर्ने जुन अवसर दिनुभएको छ त्यसको निम्ति सबै आयोजकज्यूहरू र जनकपुरवासी सबै सबै आदरणीय दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद सहित म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु साँच्चै सीता नेपालको छोरी हुन् नेपालको पुत्री हुन् र नेपाललाई विश्वमा चिनाउनको निम्ति सीताको महत्त्वपूर्ण योगदान छ हामीले यो चर्चा गरेरै आएका छौँ र आजको यो समारोहमा शुभकामना भनिरहँदा वास्तवमा हामी जति पनि उपस्थित भएका छौँ हामी सबैले सङ्कल्प गर्नपर्नेछ जसरी यो मुलुकलाई चिनाउनको निम्ति मुलुकलाई समृद्धि र विकास सित मुलुक भनेर चिनाउनको निम्ति त्यो बेलामा सीताको भूमिका एक ढङ्गको भयो भने अबको हाम्रो भूमिका साँच्चै यो मुलुक विकसित मुलुकको यो मुलुक एउटा समृद्ध मुलुक हो भनेर चिनाउने कुरामा हामी सबैले त्यही खालको सङ्कल्प गर्दै समृद्धि र विकासको अभियानमा अगाडि बढ्ने हामी सबैलाई यो दिवसले यो दिनले साँच्चै मलाई पनि लाग्छ यो पर्व भनेको सांस्कृतिक र कूटनीतिक दुवै हिसाबले महत्त्वपूर्ण पर्व हो भारतबाट जन्ती आउने
नेपालले स्वागत सत्कार गर्ने हाम्रो विगत लामो समयदेखि यो परम्परा यसले हाम्रा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनको निम्ति सबैले भूमिका खेलेको छ म पनि त्यो कुरा गर्न चाहन्छु र त्रेता युगमा राम्रो सीताले साँच्चै समाजप्रतिको दायित्व बोध गरेर जुन खालको गतिविधि सञ्चालन गर्दै अगाडि बढे त आज पनि अत्यन्त सामयिक छ र महत्त्व छ र हामीले उच्च सम्मान गर्नपर्छ त्यसैले आदरणीय जनकपुरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँहरू सबैको चाहना छ यो जनकपुर पर्यटकीय हिसाब अत्यन्त महत्त्वको क्षेत्र हो यसको विकास कसरी गर्न सकिएला सिङ्गो तराई मधेसको विकास कसरी गर्न सकिएला सिङ्गो तराई मधेस समृद्ध कसरी बनाउन सकिएला यहाँहरू सबैको यो चासो र कच्छको विषय छ मैले तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु हामीले केही कुरा सुनेका छौँ वास्तवमा यहाँहरूले विगतका कतिपय व्यवहारहरू हेरेर शङ्का गर्नुभएको छ तराई मधेस र पहाडको बिचमा विभेद गरियो यहाँहरूको मनमा कता कता यस्ता चिजहरू पनि छन् मैले आजका दिनमा तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू उहाँको आफ्नै भिजन हो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोचलाई पुरा गर्नको निम्ति यो सपनालाई सार्थक बनाउनको निम्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार क्रियाशील छ मुख्यमन्त्रीज्यू पनि उहाँको नेतृत्वको टिम परिचालन गरेर यो मधेसको निम्ति अत्यन्त लागि परिरहनु भएको छ मैले यस्तो बेलामा सङ्घीय सरकारको तर्फबाट तपाईँहरूलाई स्मरण गाउन पर्ने कुरा के थियो भने हिजो के थियो हामी त्यतातिर होइन धेरै विगततिर पड्केर हामीले साँच्चै फड्को मार्न सक्दै सक्दैनौँ हामी भविष्यप्रति आशावादी हुने भविष्यका योजना बनाएर अगाडि बढ्यौँ भने हामीले गर्न नसक्ने कुरा केही पनि छैन आज हल्ला गरिँदैछ हल्ला गरिँदैछ के भइरहेको छ के हुँदैछ केही पनि भएन यस्ता खालका निरर्थक हल्लाको पछि नलाइकन साँच्चै तथ्यमा आधारित भएर यथार्थमा उभिएर हामीले हेऱ्यौँ भने म तपाईँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा यो तथ्यले बताउँछ अब हाम्रो मुलुकको विकास तराईबाट सुरु गर्न पर्दछ तराईको विकासले पहाडलाई सिकाउन पर्छ पहाडको विकासले हिमाललाई सिकाउन पर्छ भन्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी तराईलाई विशेष महत्त्वका साथ त्यति बेलादेखि विकासका योजनाको निम्ति रकम विनियोजनमा उहाँले प्राथमिकता दिएर बढोत्तरी गर्नुभएको छ अनि आजका दिनमा आइपुग्दा म अत्यन्त छोटो गरेर भन्न चाहन्छु तराई मधेस समृद्धिको कार्यक्रम कसले घोषणा गर्यो यही सरकारले घोषणा गरेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको ठुलो योगदान छ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू आज हामीसित सँगै हुनुहुन्छ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ उहाँको विकासप्रति धेरै चासो छ उहाँ यो मधेसमा धेरै पटक अवलोकनको निम्ति आउनु भएको छ नेपाल सरकारलाई भन्नुभएको छ अब तराई जीवन बदल्ने गरी साँच्चै तराईबाट विकासको छलाङ मार्ने गरी तपाईँहरूले योजना बनाउनुहोस् नेपाल सरकारलाई बारम्बार सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले सुझाव र सल्लाह दिनुभएको छ त्यसैले तराई मधेस समृद्धिको अभियान कार्यक्रमका साथमा तराईका टुलेन्द्र फुल्लेनका बाटाहरू निर्माण गर्ने कुराको सुरुवात यही सरकारले गरेको छ हिजो भएन एउटा कुरा हो तर आज विकासको सुरुवात भइरहेको छ तपाईँहरूले आफैले देख्नुभएको छ नेपालको कुरा गर्दाखेरि अरू भूमिमा झर्दै छैन अरू भूमिमा आउँदै छैन पहिलो पटक रेल चल्ने कुरा यही मधेस तराईबाट र यही जनकपुरबाट हुँदैछ यो यही सरकारले गरेको छ त्यसैले
आदरणीय न्यायप्रेमी जनसमुदाय अब सुरुआत भइरहेको सन्दर्भमा अगाडि पर्यटन मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो नि मैले सम्झेको भन्छु अबका केही वर्षमा विश्वभरिका मानिसहरू यो तराईमा चढ्ने र उर्लिने गरी अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट यही सरकारले यहीँ बनाउँदैछ त्यसैले हिजो के भयो फरक कुरा छ अब सरकारको ध्यान तराईमा केन्द्रित भएको छ सम्माननीय केपी शर्मा ओलीको टिम उहाँको निर्देशनमा त्यो ढङ्गले लालायित भएर अगाडि बढिरहेको छ म तपाईँलाई यो कुरा राख्न चाहन्छु अब अन्तिममा यहाँहरूको चासो छ यहाँहरूको खाँचो छ धेरै पटक भन्नुभएको छ धेरै पटक यहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने साँच्चै यो मुलुकका भूमिहीन सुकुम्बासीहरू र अव्यवस्थितको अवस्था के होला म तपाईँहरूलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु त यही सरकार जुन सरकारले अब यो मुलुकमा कुनै पनि मानिसहरू भूमिहीन हुने वचा छैनन् सबै सबै मानिसहरू जग्गाका मालिक हुनेछन् सम्पत्तिका धनी हुनेछन् भन्ने उद्घोषका साथ यो मुलुक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसवासीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने सुकुम्बासीको समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्यले पहिलो पटक अत्यन्त सोची विचारी समस्याको समाधान गर्ने कानुन बनाइएको छ आज केही कारणले ढिलो भएको छ हामी चाहन्थ्यौँ तिहार अगाडि मान्छे पठाएर आयोग पठाएर सबै समस्याको समाधान होस् यो सरकारको स्पिड थियो तर प्राविधिक कारणले आज केही ढिला भएको छ म स्पष्टका साथ भन्न चाहन्छु मुलुकमा सभामुख नहुँदाखेरि सभामुखको अनुपस्थितिमा संसदले पास गरेको विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई प्रमाणित गर्नको निम्ति पठाउने कुरामा बाधा सिर्जना भएको छ त्यो कारणले तपाईँका यो समस्या समाधानको निम्ति तल आउन सकिएको छैन अब छिट्टै सभामुखको व्यवस्था गरेर आयोग बना आयोगमा पनि शक्तिशाली आयोग सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर तपाईँ भूकुम्बासीहरू तपाईँ अव्यवस्थित बसोबासीहरूको सारा सारा समस्या समाधान गर्ने संकल्प यो सरकारले गरेको छ र समाधान हुन्छ म तपाईँलाई राख्न चाहन्छु यिनै कुराका साथमा यो तिन दिने विवाह पञ्चमी शुभ महोत्सव भव्यतापूर्वक ढङ्गले सम्पन्न होस् फेरि पनि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेर यहाँहरू सबैलाई मुरी मुरी धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु नमस्कार धन्यवाद धन्यवाद माननीय मन्त्री पद्मा अर्यालजी नेपाल सरकारकै तराई मधेस देश ध्यान आकृष्ट भेल बात सब और विभिन्न योजना के संदर्भ में जानकारी करे लिया हम सब आब बिल्कुल अंतिम क्षण में छी सम्मान के कार्यक्रम रहल के लेल हम सब आब सम्मानित हो वाला जे व्यक्तित्व छथि हुनका हम सब तो बजेबेन लेकिन आजुक प्रमुख अतिथि गणतंत्र नेपालक सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी जी सब आग्रह करबेन जे हुनके हाथे भारत से आयल जे अतिथि सब छथि पाहुन सब छथि विशिष्ट अतिथि सब छथि हुनका सबके आइ सम्मान कयल जेतै जाहिमे सबसे पहिने हम सब नाम लेबऽ चाहब विश्वामित्र के भूमिका में रहल महंत दिगंबर अखाड़ा के महामंत्री श्री वैष्णव दास जी के श्री वैष्णव दास जी महाराज से हम सब आग्रह करबे जय हुनका सम्मान अथिन आज कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि जी बिल्कुल तहिना हम सब राजा दशरथ के भूमिका में रहल और विशिष्ट बराती के रूप में हमरा सबके बीच में उपस्थित छथि कन्हैया दास जी महाराज हुनका सेहो कहबनि मंच पर आबैत राजा दशरथ के भूमिका में रहल श्री कन्हैया दास जी महाराज पुरुष के बीच में और हुनका सम्मान कर रहल छथिन आज प्रमुख अतिथि गणतंत्र नेपालक महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी जी तहिना हम सब अपने बीच में बजावत चाहब वशिष्ठ ऋषि की भूमिका में रहल और विद्यार्थी संग आयल श्री कामेश्वर दास जी महाराज जी हम सब बजाब चाहब कामेश्वर दास जी महाराज जी जे वशिष्ठ ऋषि के भूमिका में रहल छथि और हुनका सम्मान कर रहल छथि माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी जी और तहिना हम अब आग्रह करबनि सुमंत ऋषि के भूमिका में रहल सुमंत ऋषि की भूमिका में रहल श्री राम अवतार दास जी महाराज के तहिना हम सब अब बीच में बजाव चाहब विश्व हिंदू परिषदक राजेंद्र सिंह पकस जी के सेहो जे अपने सेहो आबी और अखन सम्मान राष्ट्रपति जी द्वारा
सुमंत ऋषि के भूमिका रहा श्री राम अवतार दास जी के क्षमा कल गलन हा। विश्व हिंदू परिषदक राजेंद्र सिंह पंकज जी के हम सब बजावत चाहब विश्व हिंदू परिषदक अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद पांडे जी के से हम सब बजावत चाहब तहिना बराती के रूप में आयल महामंडलेश्वर श्री भैया दास जी महाराज के सेहो हम सब बजावत चाहब तहिना हम सब बजावत चाहब शादी राधा देवी भारत आयल कथावाचिका हा तो मंच पर बजावत चाहब तहिना सब साध्वी विजया लक्ष्मी जी के बजावत चाहब जे भारत से आयल तहिना हम सब बजावत चाहब आलोक कुमार कार्य अध्यक्ष जी के हम सब बजावत चाहब आलोक कुमार कार्य अध्यक्ष तहिना मिथिला आबद के प्रतिनिधित्व के निहार विश्व हिंदू महासंघक वरिष्ठ राष्ट्र उपाध्यक्ष श्री भूषण बाबा के हम सब आग्रह करय चाहब अबैत तहिना हम सब सुनैना के रूप में रहल भितकड़ी जे कहा जाए छे निर्मला देवी जी के से हम सब बजावत चाहब निर्मला देवी जी जे सुनैना के रूप में भितकड़ी के भूमिका में छथि तहिना आब सम्मान के कार्यक्रम अखन चल रहा है सम्मान्य राष्ट्रपति जी द्वारा पाहुन सबके सम्मान कल जा रहा है से भारत से बाराती के रूप में आयल विशिष्ट पाहुन के रूप में आयल तहिना हम सब आब राष्ट्रपति जी के सम्मान के कार्यक्रम से हो रहा है हम जानकी मंदिर के प्रतिनिधित्व कर रहा आज कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहा मंदिर के महंत श्री राम तपेश्वर दास वैष्णव जी और मूल आयोजक कमिटी के संयोजक समेत रहा राम रोशन दास जी महाराज से आग्रह जो आज प्रमुख अतिथि के सम्मान करें जानकी मंदिर दिश से अखन सम्मान कार्यक्रम रहा है तहिया तैयार भाकर रेडी अवस्था में रहबाक लेल हम सब बेहतर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद तहिना जनकपुर धाम उप महानगर पालिका और जनकपुर अखन के क्रम में जानकी मंदिर दिश समिति रूप में राम तपेश्वर वैष्णव जी द्वारा और राम रोशन दास जी द्वारा एक बार जोरदार थपली हुई प्रमुख अतिथि के आई सम्मान के आज आ रहा चयन सामान्य राष्ट्रपति जी के जान मंदिर द्वारा हाँ रामानंद द्वार द्वारा उनका सम्मान के आज आ रहा चयन बाबा कहे जे एशिया के सबसे बड़का गेट कहल जाए छे द्वार रामानंद द्वार जे आई प्रतीक के रूप में चिहासी के रूप में हमरा अहाँ संपूर्ण के सम्मान्य राष्ट्रपति जी के सम्मान कल गल तहिना आ जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के दिश आजुक प्रमुख अतिथि जी के सेहो सम्मान करवा कार्यक्रम रहा है जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के मेयर लालूर शाह जी रेडी अवस्था में हत और एकर बाद लगे हुनका सम्मान कल जतन जनकपुर धाम उप महानगर पालिका दिश जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के मेयर लाल किशोर शाह जी एक बेर जोरदार थपड़ी हुई वाह देखियो कते सुंदर दृश्य छे एठम प्रमुख अतिथि जी के अखन सम्मान कल जा रहा है प्रमुख अतिथि जी के जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव जी द्वारा और राम रोशन दास जी द्वारा एवं प्रकारे अखन आब जनकपुर धाम उप महानगर पालिका मेयर लाल किशोर शाह जी द्वारा प्रमुख अतिथि सम्मान्य राष्ट्रपति जी के सम्मान कल जा रहा है और हम सब आब जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ से आग्रह करब जे अपने सम्मान के संग आबी और बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद सेहो तैयारी अवस्था में रहत हुनका द्वारा सेहो सम्मान कल जतन और अखन जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष ललित शाह संपूर्ण उद्योग वाणिज्य संघ के तरफ से सम्मान कह रहा छथिन आजुक प्रमुख अतिथि सम्मान्य राष्ट्रपति जी के और व्यक्ति सबके सेहो उद्योग वाणिज्य संघ आई सम्मान करत हम आग्रह करबनि जे हुनकर टीम के जे ओ सब गरत तहिना अखन बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदक
अध्यक्ष शालिग्राम सिंह जी, संपूर्ण बृहत्तर जनपुर क्षेत्र विकास परिषदक अध्यक्ष खास कर परिवार दिस सम्मान कर रहा प्रमुख अतिथि सामान्य राष्ट्रपति जी के महिला दुनू मंत्री जी जे सहित संघीय मंत्री जी हुनका दुनू गोटे के खास कर पर्यटन मंत्री जी और तहिना संघीय सरकार के नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मंत्री योगेश भट्टराय जी और भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मंत्री पद्मा अरियाल जी के सम्मान के कार्यक्रम रहा है। सम्मान कार्यक्रम रहा है और जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास जी महाराज उनका सम्मान कर रहा है। जानकी मंदिर प्रतीक के रूप में उनका सम्मान किया जा रहा है। तहिना भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मंत्री माननीय पद्मा अरियाल जी के सेहो सम्मान कयल जा रहा है जानकी मंदिर के दिस। तहिना प्रदेश दू के प्रदेश प्रमुख राज्यपाल जी छथि उनका सेहो सम्मान कार्यक्रम रहल है जानकी मंदिर द्वारा। जानकी मंदिर के प्रतीक के रूप में प्रतीक देल जा रहा है प्रदेश प्रमुख माननीय तिलक परियार जी के जानकी मंदिर दिस हुनका सम्मान कह सथिन राम रोशन दास जी महाराज। तहिना मुख्यमंत्री प्रदेश दू के लाल बाबू राउत गद्दी जी के सेहो सम्मान करवा कार्यक्रम रहल छन और राम रोशन दास जी हुनका सम्मान कर रहल छथिन राम जानकी मंदिर के प्रतीक जे चिन्ह छन तैसे हुनका सम्मान कयल जा रहल छन। समय बहुत ही कम भेला कारण से तहिना मेयर लाल किशोर शाह जी के सेहो सम्मान कर रहल छथिन जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका के मेयर लाल किशोर शाह जी के। तहिना कार्यक्रम के आब अंतिम क्षण में हम सब छी बिल्कुल बहुत ही अंत अंत में दिस आयल छी और आब अपन मंतव्य राखक लेल हम सब विवाह पंचमी त्रि सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव के मूल आयोजक समिति के जे संयोजक छथि हुनका अपन बात राखबाक लेल और कार्यक्रम के सेहो समापन क देबाक लेल आग्रह करबनि। श्री सीताराम नाम महाराज की बहुत समय भ गेले ताहि हेतु हम संक्षिप्त में बहुत देर से सब गोटा बजलखिन बहुत मार्मिक बात एलै आई विवाह के क्षण दर्शन भेल आजुक ई रंगमंच सांस्कृतिक मंच पर हमरा बहुत सहृदय हम निमंत्रण स्वीकार क आई दूटा अवसर प्रदान भेल जे मंच पर हमर गुरुदेव भगवान सेहो पारने छथिन तो पहले हुनकर चरण कमल में दंडवत प्रणाम करैत आजुक ए मंच पर जहिना जगपुरक नाम से सामान्य राष्ट्रपति जी लग में अर्जी लग जाए छे आई अभिभावक पिता के रूप में एक राष्ट्रपिता के रूप में आई प्रमुख आतिथ्य ग्रहण क ये दोनों देशक बीच सांस्कृतिक महोत्सव के मंच सजनिहार हमर नेपालक राष्ट्रपति सामान्य विद्यादेवी भंडारी जी मंच में आई हमरा सभक सांस्कृतिक पर्यटन माननीय मंत्री योगेश भट्टराय जी मंच में आसीन हमरा सभक भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण माननीय मंत्री पद्मा अरियाल जी आ हमरा सबके एसएसबी अठामक अखन वर्तमान में एलखिन प्रदेश प्रमुख जी प्रदेश मरदू के प्रदेश प्रमुख जी और प्रदेश नंबर दू के एसएसबी मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत जी प्रदेश नंबर दू के माननीय मंत्री जितेंद्र सोनल जी आ विशेष रूप से आई मंच में हम देखे छी जे हमर सब के बीच में प्रदेश के कानून मंत्री सेहो ज्ञानेंद्र यादव जी सेहो आयल छथि नवल माननीय मंत्री नवल किशोर जी आयल छथि माननीय पर्यटन मंत्री राम नरेश जी आयल छथि मधेश आयोग के अध्यक्ष जी के देखे छियनि सांस्कृतिक सचिव
और साथ साथ आजुक ई जे मंच छै सबसे बड़का पाहुन हमरा सबके जायल छै त जिनका लेली मंच सजेने छी हुनका जते दशरथ रूप में कन्हैया दास जी महाराज विश्वामित्र जी के रूप में वैष्णव दास जी महाराज वशिष्ठ जी के रूप में डॉक्टर रामेश्वर दास जी महाराज भैया दास जी महाराज और एठामक एई दुनू देशक ई सांस्कृतिक महोत्सव के सजनीहर राजेंद्र सिंह पंकज जी आलोक जी उपस्थित साधु संत जतेक गोट बरियात में आयल छी सब गोटा के सर्वप्रथम हम अपना ई जनकपुर के हम एकटा किशोरी जी के घर के आंगन के छी सब गोटा के ई पांच दिन खातिर करब तै हेतु सबसे पहले तो चरण में एकटा सेवक रूप में अहाँ सबके दंडवत प्रणाम करे छी आ जनकपुर वासी उद्गार उद्गम जे किशोरी जी के हमरा अहाँ के पता है ते में संपूर्ण लोग जुट जाए छी शोभा भवै छी संपूर्ण जनकपुर वासी आ अई पर्व के सबसे अधिक सजाव में हमरा चाहिए जे अपन कलम होय चाहे टीवी चैनल होय मीडिया ओतबे जानकी जी के अपना जका अपना दीदी बहिन जका संपूर्ण दिन लिखित लिखित आई अई मंच सजेलखिन आ मीनाप के जते कलाकार छी उनको हम बहुत सहिले याद करे छी जानकी जी अहाँ सबके एहना आशीर्वाद बनेने रहे जे आई के प्रस्तुति एकटा विश्व संपदा में जाय वाला प्रस्तुति अहाँ झलकेलहुँ संपूर्ण लोकन के सर्वप्रथम हम प्रणाम करे छी आजुक एहि रंग सांस्कृतिक मंच में चन्ना रविंद्र में नाम करे छी और किशोरी जी के तरफ से ई विवाह महोत्सव के अवसर पर बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करे छी ई विजुअल के कारण हेलीकॉप्टर सान्य जी के जाय में कठिन हेतै बहुत समय ले ली और बहुत समय हम ले लो हाँ और हुनका जे छै से विजुअल 40% से ऊपर खराब हो गेलै तैयो ओ अपन एकटा जे जनकपुर प्रति हुनकर भावना छै ओ मौसम के नहीं देखलखिन लेकिन ई 11 बजे से लक नंबर 2 के सेहो हम याद करै छी संपूर्ण मंत्री लोकन के जे अहाँ सब जनकपुर सांस्कृतिक महोत्सव में मुख्यमंत्री लगाए संपूर्ण मंत्री हमरा सबके अभूतपूर्व हमर निमंत्रण स्वीकार कर के मंच के सजावे छी और एहिठामक प्रशासन जे अपन हम सीडीओ साहब के सेहो याद करब एसपी साहब के जे ई कार्यक्रम में हमरा सबसे बल प्रशासन जे 24 घंटा संगे निरंतर सब प्रशासन पदाधिकारी रहैया हम तही से सफलो छी जे कतौ ई सब कार्यक्रम में एकटा जे छै से 8 कॉलेज कार्यक्रम सफल होवे के हुनको सबके महत्वपूर्ण योगदान छै और सम्मान विश्व हिंदू परिषद बरात लेलखिन ओ राष्ट्रपति जी लगायत किछ 5 संघीय सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री जी सबके सम्मान करथिन हुन अब सब गोटा के 3 दिन ई तिलक दिन पहली काल खन मटकोर विवाह राम कलेवा 3 दिन बाकी है अहिना से हृदय से अहाँ सब ई जे महोत्सव हम दिनान दिन एकटा नयापन ढंग से ई जे मंच सजै छै आ सब कोई आनंद अनुभूति लै छी ई सजबैत रहू आ सपूर्ण लोकन में हम अहाँ के धन्यवाद आ किशोरी जी के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद आ गोटा के हम ये कहब जे अपन अपन हृदय में ई लक जाओ ई नेपाल के बहुत बड़ा संस्कृति छै जत शास्त्र के तोड़ल जाय छै और प्रेम के जोड़ल जाय छै जय जय किशोरी जी
आपसे जानकारी करावी राष्ट्रपति जी के श्री आलोक कुमार कार्यालय विश्व हिंदू परिषद के व्यक्तित्व जो सम्मान कलखिन मिलिंद महाराज जी विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री जी के सम्मान करथिन। तहिना श्री प्रमोद अग्रवाल अध्यक्ष धर्म यात्रा संघ दिल्ली के जे केंद्रीय मंत्री जी के सम्मान करथिन। तहिना श्री नरेश गुप्ता जी दिल्ली से आयल छथि जे केंद्रीय मंत्री जी के सम्मान करथिन और मुख्यमंत्री जी के सम्मान कर राजेंद्र सिंह जी पंकज केंद्रीय मंत्री जी छथि पंकज केडिया जी छथिन मंत्री ओहो और राजदूत भारत के पंत डॉक्टर रामेश्वर दास वैष्णव जी समग्र रूप में सब संघीय मंत्री आजुक प्रमुख अतिथि लगात सब गोटे के सम्मान कर रहा छथिन। आय के संग अपने सबके सूचित कर चाहब जी आब हम सब जानकी मंदिर अहिठम रंगभूमि मैदान से राम मंदिर प्रस्थान करब तिलकोत्सव कार्यक्रम रहल है। अपने सब सब गोटे तिलकोत्सव कार्यक्रम में सहभागी हो वास्तव में तिलकोत्सव जो कार्यक्रम है आज रंगभूमि मैदान बारह बीघा के प्रमुख अतिथि लगाए समस्त व्यक्तित्व सब विशेष अतिथि सब पाहुन सब हुनकर सबके आब जयबा क्रम शुरू है। अपने सबके जानकारी करब जे एकर लगले बाद ही भार सब सब भार राम मंदिर में जते सो अपने सब सब गोटे सब आग्रह एकर बाद सब गोटे तिलकोत्सव कार्यक्रम जे महाविवाह कमिटी ओय मंच बनाने ओ कार्यक्रम में सहभागी बस सब गोटे से तिलकोत्सव कार्यक्रम की सफल बने। तहिना अही के संग हम सब अपने सब गोटे से विनम्रता पूर्वक जयबाक अनुमति मांग चाहब धन्यवाद।